गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम EVS का चैप्टर सेकंड रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, पीपल विद स्पेशल नीड्स, लोग किनके साथ, उनकी ख़ास ज़रूरतों के साथ, ऐसे लोग जिनको ख़ास ज़रूरत पड़ती है, कौन होते हैं ऐसे लोग, आज हम उनके बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो इमेज बना हुआ है इसी के ऊपर ये पैराग्राफ है। जसनीत एंड हिज फ्रेंड्स गॉट टुगेदर इन द पार्क टू प्ले अ गेम। जसनीत और उसके दोस्त साथ में, टुगेदर साथ में, इन द पार्क, पार्क के अंदर, टू प्ले अ गेम, गेम खेलने गए। दे ब्लाइंड फोल्डेड, ब्लाइंड फोल्डेड, उन्होंने एक, उनमें से एक को, एक बच्चे को ब्लाइंड फोल्डेड यानी उसके आँखों पर पट्टी बांध दी। ठीक है, तो वन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द अदर स्कैटर्ड अराउंड हिम, और बाकी के सारे उसके चारों तरफ उसे परेशान करने लगे, यानी कि उसे, उनको पकड़ना था। ठीक है बच्चों, ये गेम आप भी खेलते होंगे। देखिए, द ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड मूव्ड अबाउट ट्राइंग टू फील विद हिज हैंड्स। तो जो ब्लाइंड फोल्डेड लड़का था जिसने पट्टी बांधी हुई थी, वो क्या कर रहा था, उन्हें पकड़ने की कोशिश, क्योंकि उसे नहीं दिख रहा था। He was finding it very difficult. उसको बहुत मुश्किल आ रही थी क्योंकि उसे कोई मिल ही नहीं रहा था, इतने बड़े पार्क में सब इधर उधर भाग रहे थे और उसकी आंखें तो फोल्ड थी। ठीक है, Difficult to move around as he was hitting against trees or tripping over plants every now and then. वो बेचारा hitting against पेड़ों से टकरा रहा था, ट्रिपिंग ओवर प्लांट्स, पौधों के ऊपर गिर रहा था, एवरी नाउ एंड देन, हर मिनट में। ठीक है, ही थॉट हाउ द विजुअली इम्पेयर्ड, वो उसने सोचा कि वो लोग कैसे कर पाते होंगे ये सब मैनेज, मैनेज मतलब ये सब कैसे कर पाते होंगे, जो कैसे होते हैं इम्पेयर्ड ब्लाइंड, जिनकी आंखें भगवान नहीं देता है, जो अंधे होते हैं। पीपल मैनेज देयर एवरी डे लाइफ, वो ये सब डेली कैसे मैनेज करते होंगे, वो ये सब काम कैसे करते होंगे, मैनेज मतलब सब कुछ अच्छे से करना। ठीक है, अब देखिए, विच बॉडी ऑर्गेन्स हेल्प यू डू द फॉलोइंग। तो आपको ये जो इनके, जो हमारे ऑर्गेन्स के वर्क लिखे हुए हैं, थिंक, रन, सी, होल्ड, स्मेल, टेस्ट, डाइजेस्ट योर फूड, च्यू एंड बाइट, आपको लिखना है कि ये सब हम किस ऑर्गेन से करते हैं। थिंक किस ऑर्गेन से करते हैं, हम सोचते किससे, ब्रेन। रन, रन के लिए क्या यूज़ होते हैं, लेग। सी, आइज। होल्ड, हैंड, पकड़ने के लिए हैंड। स्मेल, नोज। टेस्ट, टंग। डाइजेस्ट योर फूड, हमारा खाना कौन डाइजेस्ट करता है, हमारा पेट, हमारा स्टमक। च्यू एंड बाइट, खाने और चबाने के लिए टीथ। अ पर्सन विद अ हेल्दी बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स, अ पर्सन यानी कि कोई भी व्यक्ति, अ हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ आदमी जिसे कोई बीमारी ना हो, एंड बॉडी पार्ट इज एबल टू डू ऑल द डेली जॉब्स कन्वीनियंटली, एक स्वस्थ आदमी अपने सारे दिन के काम आसानी से कर सकता है। बट देयर आर मैनी पीपल अराउंड अस, पर हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे लोग हैं विथ सम और द अदर फिजिकल डिसेबिलिटी, जिनको फिजिकल यानी कि शरीर में कोई ना कोई ज़रूर कमी होती है। स्वस्थ व्यक्ति तो सारे काम कर लेता है, पर होते हैं कुछ जिनको, जिनकी शरीर में कुछ ना कुछ कमी होती है, जैसे कि विच आर देयर बाय बर्थ और ड्यू टू डिसीज, या तो जन्म से ही कोई अंधा होता है, या फिर अंधा, बहरा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई सी भी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर, ड्यू टू अ डिसीज, किसी बीमारी की वजह से भी ये हो सकता है, और एक्सीडेंट, और अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो भी उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दे आर कॉल्ड, उन्हीं लोगों को क्या कहते हैं हम, पीपल विद स्पेशल नीड्स, ऐसे लोग जिनको स्पेशल, खास सहायता की ज़रूरत होती है, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, और डिफरेंटली एबल्ड पीपल, या फिर कुछ अलग लोग। ठीक है बच्चों, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस चीज़ से क्या है,
डिसेबल, वो काम नहीं कर सकते हैं, तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प। देखिए आगे, पीपल विद स्पेशल नीड्स, ऐसे लोगों को जो जिनको बहुत ख़ास सहायता की ज़रूरत होती है, आर अटेंशन, उनको क्या चाहिए होती है, हमारी अटेंशन, यानी कि हम उन पर ध्यान दें, केयर, हम उनकी केयर यानी कि हम उनका ध्यान रखें, एंड लव, हम उन्हें प्यार करें, एंड नॉट आर पिटी, उनको हम दया नहीं दिखाएं कि अरे बेचारा ये ऐसा है ये वैसा है, ये सब नहीं, हम उन्हें अच्छे से ट्रीट करें, हम उन्हें अपनी जैसा समझें, ठीक है बच्चों। वी कैन हेल्प देम इन लीडिंग अ कम्फर्टेबल लाइफ, हम उन्हें एक अच्छी कम्फर्टेबल यानी जिसमें हमें जिस लाइफ में उन्हें सब मिले ऐसी लाइफ दे सकते हैं, अगर हम उनका मजाक ना उड़ाएं, हम उन पर दया नहीं करें, हम क्या करें, बस उनके साथ रहें, उनकी हेल्प करें और उन्हें ऐसा नहीं फील होने दें, ऐसा महसूस नहीं होने दें कि वो हमसे अलग हैं। मैनेजिंग देयर डेली चोर्स बाय बीइंग अ मॉरल सपोर्ट टू देम, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सब हमारे आसपास के लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा है। देखिए आगे, देखिए बच्चों, जो इमेज बनी हुई है इनमें से कोई भी चल नहीं पा रहा है बिना किसी सहारे के, है ना बच्चों, तो ऐसे लोग होते हैं पीपल विद स्पेशल नीड्स। टेकिंग केयर ऑफ स्पेशल पीपल, इन्हीं स्पेशल लोगों का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। वी कैन लुक आफ्टर दीज स्पेशल पीपल इन द फॉलोइंग वेज, इन रास्तों के द्वारा हम इनकी मदद और इनसे अच्छे से पेश आ सकते हैं। देखिए, बींग पोलाइट विद देम, हमें उनसे क्या करनी चाहिए, पोलाइट यानी बहुत ही विनम्र होकर बात, यानी कि बहुत ही अच्छे से, प्यार से, धीरे से, नॉट टीजिंग देम और मेकिंग फन ऑफ देम, ना ही उन्हें परेशान करना चाहिए और ना ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए। जैसे कि अगर आपने किसी पैर, जिससे किसी के पैर में प्रॉब्लम है, उसे आप लंगड़ा कहेंगे या जिस जो अंधा है उसे अंधा कहेंगे, तो उसे कितना बुरा लगेगा, सोचो उसे कितनी प्रॉब्लम होती होगी। Including them in our get-togethers, उन लोगों को हमें क्या करना चाहिए, get-togethers, हम कहीं जाएं उन्हें लेकर जाना चाहिए, birthday parties and picnics, इन पर भी उन्हें बुलाना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा। Motivating them to develop a positive attitude in life, motivate, उनको क्या करना चाहिए, हमें motivate यानी उनको हमें बोलना चाहिए कि आप ये चीज़ कर सकते हो लाइफ में, किसी भी चीज़ को लेकर उन्हें हमेशा motivate करते रहना चाहिए कि आप में कोई कमी नहीं है, आप ये काम कर सकते हैं। Helping the visually impaired by reading out books, कैसे हमें उनको help करनी चाहिए, हम उन्हें बुक्स पढ़ के सुना सकते हैं, कॉमिक्स पढ़ के सुना सकते हैं, न्यूज़पेपर्स सुना सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज़ साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, हमें उनसे बात करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ लेना चाहिए, जो बोल नहीं पाता है उसके लिए, विद द डीफ एंड द डम पीपल, जिनके कान जो डीफ यानी कि जो कान से सुन नहीं सकते और डम जो कि बोल नहीं सकते, उनके लिए हमें साइन लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। अगर कोई सुन नहीं सकता है तो हम उसे इशारे करके बता सकते हैं, और जो बोल नहीं सकता है उसे भी हम इशारों से या लिख के बता सकते हैं, ठीक है। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, उन्हें हमें बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि वो हमसे अलग हैं, वो हमारे बराबर हैं, हमें उन्हें ऐसा एहसास दिलाते रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, तब तक आप वर्क में करिएगा ये एक्टिविटी, विच बॉडी ऑर्गेन्स हेल्प यू टू डू द फॉलोइंग, ठीक है। हैव ए नाइस डे।